जनता का न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है आज की खबर, उसके बारे में बताएं। हेलो, चुनाव 26 मई 2019 में संपन्न हुए। मैं संतोष कुमार श्रीवास्तव संयुक्त कर्मचारी परिषद का केंद्रीय अध्यक्ष चुना गया हूँ। इसमें महामंत्री श्री शिव कुमार तिवारी चुने गए हैं। बाकी कार्यकारिणी में श्री विकास तिवारी उपाध्यक्ष हैं, कुलदीप सिंह ये भी उपाध्यक्ष हैं, शिव कुमार तिवारी महामंत्री बता चुका हूँ, अरुण श्रीवास्तव जी सह महामंत्री हैं, शिव पूजन शर्मा कोषाध्यक्ष, प्रदीप कुमार शुक्ला मंत्री, अवधेश सिंह मंत्री, आलोक कुमार द्विवेदी संगठन मंत्री, प्रभाकर पाल संगठन मंत्री, श्रीमती उषा तिवारी कार्यालय मंत्री, मोहम्मद शरीफ, विजय कुमार तिवारी, सत्यम पांडे, अरुण कुमार, बब्बू कुमार सदस्य का चुनाव होता है। कितने वर्ष में होता है यह लोक चुनाव? द्विवार्षिक होता है, दो दो साल पे होता रहता है। पिछला इसके 17 में हुआ था, यह 19 में हुआ है, अगला 21 में होगा। चुनाव में आप कितनी बार अध्यक्ष पद पर रह चुके हैं? ये हमारा 7वां द्विवार्षिक अधिवेशन है, 7वां द्विवार्षिक अधिवेशन में चुने गए। कर्मचारियों की क्या मांगे हैं? कर्मचारियों की समय जो हमारे क्षेत्र में सबसे अहम मांग है वो है कॉरपोरेशन में घटती हुई स्ट्रेंथ, काम की कमी, प्राइवेटाइजेशन में ज़्यादातर जा रहा है, ठेकेदारी प्रथा शुरू हो रही है। हम लोग क्षेत्र निगम की स्थापना हुई थी, ठेकेदारी कम कर दी जाए, इससे पीडब्ल्यूडी का एक सिस्टम कंसर्न है। पीडब्ल्यूडी में क्या था, सारा बिजनेस जो बनते थे सब फेंके तब चलते थे, जिससे उसकी क्वालिटी कंट्रोल नहीं हो पाता था। उच्च क्वालिटी और गुणवत्ता को देने के लिए क्षेत्र निगम की स्थापना हुई 1973 में। लेकिन आज हालात ये आ रहे हैं कि हमारी स्ट्रेंथ तेज़ी से घट रही है। 10,000 की स्ट्रेंथ शुरुआत हुई थी 1973 में और आज लगभग 5,000 की कर्मचारी संख्या रह गई। संख्या घटती जा रही है, नई भर्ती की नहीं जा रही। नतीजा ये आ रहा है कि हम जो गुणवत्ता और हाई टेक्निक क्षेत्र निगम देने की अवधारणा थी वो खत्म होती जा रही है और आज की तारीख में ज़्यादा से ज़्यादा काम ठेकेदारों को दिए जा रहे हैं, सब प्राइवेटेशन हो रहा है। हम लोग इसका बहुत विरोध करते हैं और हम लोगों संगठन ने मांग रखी थी कि प्राइवेटेशन खत्म किया जाए। पूर्व की भांति जिस अवधारणा को लेकर के क्षेत्र निगम की स्थापना की गई थी कि हम हाई क्वालिटी उच्च टेक्निक संस्थाओं से देते हुए गुणवत्ता को बनाए रखें, इसी की अवधारणा पर ही क्षेत्र निगम की स्थापना की गई थी। लेकिन अब आज की तारीख में क्या हो रहा है, जो हमारे हार्ट मिक्स प्लांट लगे हैं वो भी प्राइवेटेशन में जा रहे हैं। हम लोग प्राइवेटेशन का विरोध करते हैं और ये डिमांड करते हैं कि क्षेत्र निगम की स्थापना की अवधारणा के अनुरूप अधिकांशता काम क्षेत्र निगम की मशीनों से ही, क्षेत्र निगम के अपने संसाधनों से, क्षेत्र निगम के इंफ्रास्ट्रक्चर से ही कराए जाएं, प्राइवेटेशन कम से कम हो, जिससे कि क्वालिटी कंट्रोल पूरी तरह से नियंत्रित रहे और हाईटेक्निक जो हमारी अवधारणा थी क्षेत्र निगम की स्थापना। आपके द्वारा कितने आंदोलन किए गए? इस संबंध में अभी आंदोलन तो नहीं किए गए हैं क्योंकि अभी तक मेन चल रहा था, 7वां वेतन ही नहीं मिला था। 7वां वेतन को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री मंत्री लिखापढ़ी से चलती रही, अभी जनवरी में 7वां वेतन सभी के लिए लागू हुआ है। अब उसके बाद ये डिमांड दी गई, अभी हम लोग मांग पत्र में हमारे हैं, हमारा जो एजेंडा था हमारा 26 तारीख उस एजेंडा में भी हमने रखा है कि क्षेत्र निगम की स्थापना की अवधारणा के अनुरूप ही कार्य कराया जाए। पुरानी पेंशन बहाली क्षेत्र निगम में 40-45-30 साल लोग काम करते हैं और 2,000 से 3,000 के बीच पेंशन ले जाती है, इसलिए भी डिमांड चल रही है और इसका केस भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, लेकिन कोई अभी तक फाइनल पोजीशन नहीं है। कर्मचारी है होना ये है कि हमारा विभाग पीडब्ल्यूडी से अलग हुआ है, पीडब्ल्यूडी का एक कंसर्न सेक्टर है। कभी कहते हैं कि हमारा पीडब्ल्यूडी के पैटर्न पे हम चलेंगे और जब पीडब्ल्यूडी में कोई काम मिलता है तो कहते हैं पीडब्ल्यूडी से हमें कोई मतलब नहीं, हम ब्यूरो से गवर्न होते हैं। हम ब्यूरो और पीडब्ल्यूडी के बीच में त्रिशंकु बना हुआ है क्षेत्र निगम। जब पीडब्ल्यूडी का कोई सेक्टोरल शासनादेश जारी होता है तो जब तक वो ब्यूरो से नहीं होता है तब तक कॉरपोरेशन लागू नहीं होता। जब कोई उधर से लाभ मिलता है तो कॉरपोरेशन हटका देते हैं, जहां कोई कटौती होती है पीडब्ल्यूडी में उसको तुरंत लागू कर देते हैं। इस संबंध में वार्ता हुई किसी से? इस संबंध में कई बार वार्ता हुई, एमडी से भी वार्ता हुई, हमारे प्रबंधक से वार्ता हुई, मंत्री तक वार्ता हुई, लेकिन वो चल रहा है, बस इशारा चल रहा है, लेकिन निर्णय नहीं होगा। दूसरी चीज ये कहते हैं शासनादेश जो शासन के होते हैं वही कॉरपोरेशन पर लागू होते हैं, तो शासनादेश हमारे क्षेत्र निगम में ट्रांसफर पॉलिसी डिसाइड होती है, लेकिन क्षेत्र निगम की कोई ट्रांसफर पॉलिसी नहीं है। कहीं 20-20 साल से कर्मचारी जुड़े हुए हैं, कहीं हर 6 महीने ट्रांसफर हो रहे हैं। क्षेत्र निगम में आखिर कौन सी पॉलिसी है? हम लोग कई बार पहुंच चुके हैं, कई बार मुद्दा भी उठा चुके हैं, लेकिन कोई डिसाइड पॉलिसी नहीं है। इसकी नियमावली क्या है? कोई नियमावली नहीं, सब हवा में नियमावली तो बनी है, लेकिन नियमावली कहाँ पे स्टैंड करती है? जो हम कहीं स्टैंड ही नहीं करते हैं कि हम कॉरपोरेशन प्राइवेट में हैं, ठेकेदार हैं या पीडब्ल्यूडी के कंसर्न है, हम तो उसी मटके हुए अभी तक, हमारा वही डिसाइड नहीं हो पाता। क्या उसमें चाहते हैं आप?
इसमें मैंने लोग चाहते हैं कि एक क्लियर पॉलिसी हो, या तो हमें पीडब्ल्यूडी पैटर्न पे दे दिया जाए, जो पीडब्ल्यूडी में आदेश होते पहले ही था, जो पीडब्ल्यूडी में आदेश होते थे वही क्षेत्र के मैजिस्ट्रेट लागू हो जाया करते थे। लेकिन अब क्या कर दिया, पीडब्ल्यूडी के बाद उस साल बस ब्यूरोमेट कर रहता है, जब तक ब्यूरो होता है तब तक पीडब्ल्यूडी में चेंज हो जाता है। हम ब्यूरो और पीडब्ल्यूडी के बीच में फंसे हुए, हम लोग की डिमांड थी पहले भी मंत्री जी, मुख्यमंत्री को मैंने कहा कि हमको ब्यूरो से अलग कर दिया जाए, अगर ये ब्यूरो से अलग कर दें तो कम से कम हमारे ऊपर शासनादेश तो एजिटीज लागू हो जाए। तो हम लोग की भी बहुत बड़ी डिमांड है कि हमको ब्यूरो से जैसे अभी उसको अलग किया है, आपके परिवहन निगम को किया है, अगर हमको स्वतंत्र विभाग दे दिया जाए, एक विभाग घोषित कर दिया जाए या पीडब्ल्यूडी में बैक कर दें तो ज्यादा अच्छा हो जाए। अगर स्वतंत्र विभाग घोषित कर दिया जाए तो और अच्छी क्वालिटी गुणवत्ता के साथ हम क्षेत्रों का निर्माण करते हुए प्रदेश के प्रगति में सहायता पहुंचे। अच्छा, ये